हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर डीजे न्यूज एंड टेक्नोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त फारूक मंसूरी आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, एक स्पीकर का वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बीटा 7 कंपनी का स्पीकर है, इंपोर्टेड स्पीकर है। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले पता है क्या करना है आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चैनल को नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ये तो हो गया आपका काम, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक स्पीकर लेकर आया हूँ जो 15 इंची स्पीकर है, बीटा 7 कंपनी का स्पीकर है। काफ़ी इसका जो रिजल्ट है वो हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। फिलहाल मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, ये जो 15 इंची स्पीकर है ये 3 इंची वॉइस कॉइल में है, 8 ओम्स का स्पीकर है और 400 वाट का है ये स्पीकर है। तो इसको आज हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, टेस्टिंग भी करेंगे और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या कैसी इसकी क्वालिटी है, सब चीज़ आपको आज देख चेक करके हम बताएंगे। चलिए पहले करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं ये एक बीटा 7 कंपनी का ये स्पीकर है, 15MB502 इसका मॉडल नंबर है, यानी कि 15MB502 इसका मॉडल नंबर है, जो कि एक बीटा 7 कंपनी का ये स्पीकर है। डिजाइन जो है वो इटली का डिजाइन दिया गया है इसमें। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये अनबॉक्सिंग किया है मैंने, तो इसकी जो पैकिंग है वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि और स्पीकर के मुकाबले इसकी जो पैकिंग है वो वाकई में ज़बरदस्त है। वो इसलिए दी गई है ये पैकिंग इतनी हैवी कि अगर आप ट्रांसपोर्ट से इसको मंगवाते हैं स्पीकर को, तो ये डैमेज नहीं होगा और आपका स्पीकर आपको सेफ ठीक ठाक मिल जाएगा। तो देखेंगे इस बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स थर्माकोल का बना रखा है, काफी हैवी तरीके से इसकी पैकिंग दी गई है। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं तो देखेंगे पैकिंग कितनी जबरदस्त दी गई है। काफी हैवी तरीके से, बिल्कुल सेफ तरीके से आपको स्पीकर मिल जाएगा, डैमेज नहीं होगा। ये मैंने बॉक्स से स्पीकर बाहर निकाल दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे आप इस पे लोगो, जो कि एक बीटा 7 कंपनी का लोगो है। मॉडल की बात करें तो मॉडल नंबर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 15BM502 इसका मॉडल नंबर है। और मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट साइज आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, इसकी फिनिशिंग दी गई है और मैग्नेट साइज जो है 190 इसकी मैग्नेट साइज है। और हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं 25 इसकी हाइट है, काफ़ी बढ़िया है। और आप ये होल देख रहे हैं, ये एयर निकालने के लिए, यानी कि जो आपकी जो कॉइल हीटिंग होती है उसकी एयर पास के लिए ये होल दिया गया है। और इसके अंदर आप देखेंगे जाली भी आपको देखने को मिलेगी, ताकि इसमें डस्ट वगैरह या कूड़ा वगैरह धूल वगैरह ना जाए, ताकि आपकी कॉइल जाम ना हो। अब इसका मॉडल की बात करें तो मॉडल देख सकते हैं ये बीटा 7 का कंपनी का अपना मॉडल डिजाइन किया गया है, काफ़ी बढ़िया है। इसकी जो बास्केट है काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आपको बता दूं कि इसमें ओरिजिनल कैसे आपको पहचानना है, तो ओरिजिनल के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक ये ऐसा देखने को मिलेगा जिसको आपको ओरिजिनलिटी की पहचान करनी है। जिस स्पीकर पे ये नहीं होगा वो ओरिजिनल नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस पे आपको एक टेक और मिलेगा जो बीटा 7 लिखा हुआ आपको इस पे मिलेगा। अब बात करते हैं इसके टर्मिनल की, तो आप देखेंगे टर्मिनल काफ़ी हैवी दिए गए हैं, मजबूत हैं, इंपोर्टेड हैं। लीड वायर की बात करें तो लीड वायर आप देखेंगे स्लिप डाल के सील्ड किया गया है। अब कोन की बात करते हैं तो कोन आप देखेंगे ग्लास फूल की इसमें कोन लगी हुई है, डबल पेरी की ये जो कोन है डबल पेरी की है।
इसमें 100% मेरे को लगता है मिड बेस का ये स्पीकर होगा। फिलहाल वो टेस्ट करेंगे जब पता लगेगा। अब बात करते हैं इसके स्पाइडर की। तो स्पाइडर फ्लैट टाइप का इसमें दिया गया है जो प्योर कॉटन का है। अब बात करें इसके डस्ट कैप की, तो आप देख सकते हैं ये मशीन से सील्ड की गई है, काफ़ी मजबूत तरीके से सील्ड की गई है। और इसके रिंग की बात करें तो रिंग भी ठीक ठाक सील्ड की गई है। ये चीज़ तो बढ़िया लगी अभी फिलहाल, जब तक मैंने इसको देखा, जब तक इसके बारे में, इसकी कौन और इसकी क्या क्या चीज़ है ये, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ आपको। 15 इंची ये स्पीकर है, 8 ओम्स की इसमें कॉइल है, 3 इंची इसमें वॉइस कॉइल लगी हुई है, इन और आउट प्योर कॉपर की। और इसमें जो ये टू, आप ये कौन देख रहे हैं, 2 लेयर की कौन है, काफ़ी बढ़िया है। और 400 वाट का ये स्पीकर है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। तो अब तो इसके बारे में हो गया, चलिए अब इसको टेस्ट और कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है और कैसा नहीं है। चलिए टेस्ट करते हैं, चलिए ऐसा टेस्ट कर लेते हैं। ये एम्पलीफायर का आप देखेंगे, प्लस में प्लस लगाना है, माइनस में माइनस लगाना है। अगर उल्टे लगा देंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। चलिए इसे प्ले कर लेते हैं। क्वालिटी आप सुन सकते हैं इसकी, कितनी बढ़िया इसकी क्वालिटी निकल के आ रही है। तो ये जो स्पीकर है, ये मेरे को जो लगा, ये थ्रो के लिए स्पीकर बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि थ्रो बहुत जबरदस्त आ रही है इसकी। आप हेडफोन में इसकी इसकी जो वॉइस है वो सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं हेडफोन लगा के, उसमें ही आपको पता लगेगी इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी निकल रही है। बाकी थ्रो के लिए ये, अगर आपको स्पीकर चाहिए तो मैं इस थ्रो के लिए बोलूँगा ज़रूर कि थ्रो के लिए अगर स्पीकर चाहिए तो आप 15 MB 502 मॉडल नंबर जो है ये आप ले सकते हैं, बीटा 7 कंपनी का थ्रो। इसका वाकई में ही ज़बरदस्त है, 400 वाट का ये स्पीकर है और बेस भी आ रही है इसके अंदर। आपने जब हेडफोन लगा के सुनेंगे तो पता लग जाएगी आपको, बेस भी ठीक ठाक आ रही है इसकी। तो प्राइस भी बता देता हूँ, प्राइस बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है ना। तो ये 4500 का है ना, ये ये 5500 रुपये का है, ये बीच का प्राइस है। बाकी आप खुद इसे इसका प्राइस लगा सकते हैं क्या होगा। फिलहाल आप इसको मेरे से भी परचेज कर सकते हैं, या आप बीटा 7 कंपनी जो कि 1663 भागीरथ पैलेस चांदनी चौक में इनकी दुकान है, आप उनसे भी इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त जो है ये, काफ़ी ज़बरदस्त स्पीकर है थ्रो के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आप अपना नंबर देता हूँ आपको, आप
आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो कैसे लगी है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।